आरसीआई एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, हमने लेसन 2 शुरू कर रखा था जिसके कुछ टॉपिक करवा दिए थे और अब नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखिए, व्यक्ति के अधिकारों की वास्तविक पहचान तब होती है जब उनको व्यवहार में लाया जाता है, अर्थात आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर व अशिक्षित लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं होती है। कई बार पुलिस हिरासत में मौत, बलात्कार, हिंसक घटनाएँ, महिलाओं के साथ उत्पीड़नकारी घटनाएँ, ये आम है और ये घटित होती रहती हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आयोग का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, अर्थात 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जो मानवाधिकारों के लिए शोध करता है और मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करता है। यानी कि इस आयोग को हजारों शिकायतें मिलती रहती हैं और ये उसका निपटारा करता है। रखते हुए अधिकारों को, मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है और शोध को प्रोत्साहित कर सकता है। मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्ते पंजाब में और युवकों के गायब होने और गुजरात में हुए दंगों के मामले में जाँच के रूप में रहा। अर्थात आयोग अपने स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये सिफारिश कर सकता है। इस प्रकार मौलिक अधिकारों की रक्षा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व। इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे नीति निदेशक तत्व, सेकंड चैप्टर है और उस सेकंड चैप्टर का टॉपिक है नीति निदेशक तत्व। देखिए, जहां मूल अधिकार हमने पढ़े थे, मूल अधिकार शासन के कार्यों पर प्रतिबंध की बात करते हैं या प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो उसी प्रकार नीति निदेशक तत्व कुछ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। अर्थात ये आने वाली और बनने वाली सरकारों के लिए नीति निदेशक तत्व को लागू करना, एक कल्याण भरी योजनाओं को लागू करना, ये उनका दायित्व होता है। तो जो भी सरकार आती है तो वो नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले, इनको लागू करें। अर्थात ऐसी एक सूची निर्देशक तत्वों की रखी जाती है जिसको कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से और 51 तक में किया गया है। यानी कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी और संविधान निर्माताओं ने इन्हीं चुनौतियों को हल करने के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्वों को जरूर समझा और उन्होंने एक सूची डाली निर्देशक तत्वों की, जिसे नीति निर्देशक तत्वों की नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। ये वाद योग्य नहीं है, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायपालिका के द्वारा इनको लागू नहीं करवाया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये, इनके क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात करें तो ये कई प्रकार से हैं, जैसे आर्थिक सुरक्षा से संबंधित हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हैं, पंचायत राज, प्राचीन स्मारक, पंचायत राज आदि से संबंधित हैं। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के संबंध की बात करें तो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में इन दोनों को एक पूर्व के रूप में देखा जा सकता है। सरकार पर जहाँ मूल अधिकार कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। अर्थात सरकार का यह कहना है कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन उधर न्यायपालिका ने उल्टा विपरीत पलट के जवाब दिया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार जमींदारी उन्मूलन का कानून का विरोध ऐसी ही एक उदाहरण है जो ऐसा विवाद का कारण बना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के टकराव के बीच का। इसी प्रकार संपत्ति का अधिकार भी एक मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच। आखिरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायपालिका ने फैसला दिया कि इस प्रकार
मूल अधिकार, नीति निर्देश तत्व मूल अधिकार इसका ढांचा नहीं है और इसको बदला नहीं जा सकता है। मूल अधिकार और नीति निर्देश तत्वों में अंतर, मूल अधिकार व नीति निर्देश तत्वों में अंतर, नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मूल अधिकार व नीति निर्देश तत्वों में अंतर, इधर है मूल अधिकार, मूल अधिकार और इधर है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में और इनका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसी प्रकार मूल अधिकारों, मूल अधिकार वाद योग्य हैं, मूल अधिकार वाद योग्य हैं, नीति निर्देश तत्व वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं, मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं, बल्कि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। इस प्रकार मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में हम अंतर कर सकते हैं। मूल अधिकार कवर्ण संविधान के भाग 3 में, नीति निर्देशक तत्वों का भाग 4 में। मूल अधिकार वाद योग्य हैं, वाद योग्य का मतलब यह है कि जब किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय पहुंचकर इनका उपचार करवा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अगर कोई सरकार, आने वाली सरकार इनको लागू नहीं करती है तो हम सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है, न्यायपालिका के द्वारा इनको, न्यायपालिका की सुरक्षा इनको प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार मूल अधिकार आदि राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। मूल कर्तव्य, नेक्स्ट टॉपिक है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय एक भी मूल कर्तव्य संविधान में नहीं रखा गया था। मूल कर्तव्यों को संविधान में बाद में जोड़ा गया, इनकी 42वीं संविधान संशोधन, 42वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, अब इनकी संख्या हो गई 11, यानी कि 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 1। टोटल कितने हो गए? 10+1=11, यानी कि भारत के संविधान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। जो इस प्रकार उनकी बात करें कि संविधान के अनुच्छेद 4 क और 51 क, फिर से देखिए एक बार, संविधान के अनुच्छेद, संविधान के भाग 4 क, संविधान के भाग 4 क व अनुच्छेद 51 क, संविधान के भाग 4 क व अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो वर्तमान में 11 है, जो इस प्रकार से है। पहला है संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, पहला मूल कर्तव्य। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हम हृदय में सजोए रखें। और तीसरा मूल कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखें। चौथा मूल कर्तव्य है देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर देश की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। पाँचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व का भाव आधारित भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। और छठा मूल कर्तव्य हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण
जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी आदि हैं की रक्षा करें और संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां मूल कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इसी प्रकार नौवा जो मूल कर्तव्य है वो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। दसवां मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति की ओर जाए। और ग्यारह मूल कर्तव्य अभिभावकों का है। ग्यारह मूल कर्तव्य जिनका है अभिभावकों का, जो अभिभावकों के लिए कर्तव्य इस बात के लिए कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए, ये कर्तव्य अभिभावकों का बनता है। जो ग्यारह मूल कर्तव्य था जो बाद में जोड़ा गया था, इस प्रकार भारत के संविधान में ये 11 मूल कर्तव्य हैं। ये पाठ पूरा हो गया। अब कुछ प्रश्नों पर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 कै में किया गया है। इसी प्रकार प्रश्न ये आए कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का, कई बार कॉम्पिटिशन पूछ लेते हैं ये कि संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन है, संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन है, विकल्प के रूप में आते हैं। जैसे संविधान के भाग 4 कै में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। कई बार इनमें से आ जाता है, बारीकी है कि कई बार अपन संविधान के, मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान किस भाग में किया गया है, तो अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं 4 करके छोड़ देते हैं, और विकल्प में 4 कै भी होता है, 4 कै, 3 और 5 इस प्रकार होते हैं। जैसे विकल्प हैं, पहला विकल्प है 4 कै, दूसरा है सिर्फ 4 और तीसरा है 3 और चौथा है 5। उसमें प्रश्न क्या आएगा कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो पहले में होगा 4 कै, दूसरे में 4, तीसरे में 3 और 5। अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं कि संविधान के भाग 4 लिखते हैं, ये नहीं देखते कि इनमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। भाग 4 में किसका वर्णन है, नीति निर्देशक तत्वों का। 4 कै की बात आए तो ही मूल कर्तव्यों का आएगा इसमें उल्लेख, तो जल्दबाजी में कई बार गड़बड़ हो जाता है। ध्यान रखें आप, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का, और 4 कै में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो आपका उत्तर होगा 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, 1993। इसका प्रमुख काम क्या है, मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर उनका उपचार करना। ये स्वयं जांच नहीं करता बल्कि स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की पहल पर ऐसा कार्य करता है। और जब अधिकारों के प्रति कोई व्यक्ति अगर जागरूक नहीं है और उनके साथ उत्पीड़नकारी घटनाएं घटित हो रही हैं, तो वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उसकी सहायता करता है और उसको उपचार दिलवाता है। धन्यवाद।